हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली कि आप सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। सो आज की इस वाली वीडियो में आप सबको स्टैप की क्रिएटिव ड्यूअल फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं, जो कि आप सब इजीली एंड काफ़ी कम टाइम में कर सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है। जैसे ये पिक्सआर्ट ऐप ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपल नीचे के साइड प्लस का आइकन पे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन चार और पांच ऑप्शन आएंगे। तो आपको बैकग्राउंड्स पे क्लिक करना। ओके, बैकग्राउंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना। ओके, आप जैसे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप सभी को उस बैकग्राउंड को जो है लेके चले आना होगा टूल्स में एंड यहाँ पर आपको आना होगा क्रॉप में। क्रॉप में आने के बाद आप इसको पोर्ट्रेट साइज में क्रॉप कर लेना। ओके, एंड उसके बाद सिंपल डन कर देना। तो ये हो चुका एंड इसके बाद फिर आप सभी क्या करना वो देखो। इसके बाद आपको चले आना होगा अब ऐड फोटो में। तो हम ऐड फोटो में चले आते हैं एंड यहाँ से आप सभी को अपने उस फोटो को ऐड करना सबसे पहले जिसे आप सब बैकग्राउंड में रखना चाहते हो। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड में रखने वाले फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। ओके, ऐड करने के बाद आप सभी को अपने इस फोटो को सिंपल जो है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप इस तरीके से कर लेना अपने फ़ोटो को यहाँ पर सेट। ओके, परफेक्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर लेना अपने फ़ोटो को एंड जैसे ही आप इस तरीके से सेट करोगे तो उसके बाद आप अपने इस फोटो को लेके चले आना इरेज वाले ऑप्शन में। इरेज में आना, आप सब यहाँ पे हार्डनेस को डिक्रीज कर देना 23 रखना, इसका अमाउंट को ओपेसिटी के भी अमाउंट को डिक्रीज करना कुछ 45 रखना एंड साइज को आप पूरा इंक्रीज कर देना 100। उसके बाद आप सिंपल इस तरीके से नीचे की साइड से इरेज करना स्टार्ट करना। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप हल्का हल्का जो है साइड में भी थोड़ा थोड़ा इरेज कर देना एंड उसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पे थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो अपने फ़ोटो को एंड उसके बाद आप अपने फ़ोटो को लेके चले आना एडजस्ट में। ओके, उसके बाद सैचुरेशन इसके अमाउंट को आप लोग कर देना -100। ओके, इसके बाद आप नीचे की साइड आना एंड यहाँ पे आपको टेम्प दिखेगा तो टेम्प के अमाउंट को भी आप सबको माइनस की तरफ रखना, -8 -10 ऐसा रखना, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर की साइड आना होगा अब एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस में आना है एंड इसके अमाउंट को भी आप सभी को माइनस की तरफ रखना -15 एंड उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे डन कर देना एंड उसके बाद फाइनल डन। तो आपको इस तरीके से अपने फ़ोटो को यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर लेना बैकग्राउंड वाली फ़ोटो को एंड उसके बाद आपको ले आना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में आने के बाद यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक बल्ब की PNG को। तो हम यहाँ से सिंपल इसे ऐड कर लेते हैं एंड ऐड करने के बाद आपको इसका सबसे पहले जो है ब्लेंड मोड चेंज करना होगा। तो सिंपल हम यहाँ से इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देते हैं एंड करने के बाद आप सभी को इसे क्रॉप कर लेना। ये भी आपके सामने दो बल्ब दिख रहा तो आपको एक को क्रॉप करके सिर्फ एक को रखना। ओके, एंड उसके बाद डन कर देना एंड सिंपल इसे आप सभी को अपना जो बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाया उसके साइड में आप सब सेट कर देना इस तरीके से एंड उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे फिर डन कर देना। ओके, इसके बाद आप सभी को फिर से चले आना होगा ऐड फोटो में एंड इस बार ऐड फोटो में आने के बाद आपको जो है यहाँ से ऐड करना, आप जिस फोटो को आप लोग फ्रंट पर रखना चाहोगे अपने उस फोटो को यहाँ से आप ऐड कर लेना। तो मैं ऐसे सिंपल अपने उस फोटो को ऐड कर लेता हूँ तो आप देख पा रहे हो मैंने कर लिया। तो लाने के बाद आप सभी को इधर नीचे की साइड में आपको सिंपल इस तरीके से सेट कर देना अपने फोटो को एंड उसके बाद आप क्या करना, आपका जो फोटो रहेगा उसका आप सब शैडो बनाना, ठीक है। तो हम शैडो में चले आते हैं। शैडो में आने के बाद आपको क्या करना, एडजस्ट में ओपेसिटी को 100 रखना, पोजिशन में आप सभी को जो है एक जो लेफ्ट राइट रहेगा एक का आपको 94 रखना एंड एक का 104 रखना। ओके, इस तरीके से रखना एंड उसके बाद आपका जो फोटो रहेगा उसे आप लोग थोड़ा बहुत और एडजस्ट करना चाहते हो तो देख लेना इधर उधर करके लेफ्ट राइट एंड उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप डन कर देना। ओके, तो ये आपने इजीली अपने फ्रंट वाले फोटो को भी परफेक्टली सेट कर लिया। इसके बाद आपको ऐड फोटो में फिर से आना एंड यहाँ से आपको इंस्टाग्राम के प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट को ऐड करना। तो आपका ये जो स्क्रीनशॉट है इसका ब्लेंड मोड आप सबसे पहले चेंज कर लेना स्क्रीन एंड इधर साइड में जो आपका जो स्पेस है आप वहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को सेट कर देना। ओके, एंड उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे डन कर देना। ओके, सो डन। इस तरीके से आपको ये वाले स्टेप को भी परफेक्टली कंप्लीट कर लेना एंड इसके बाद आपको आना है ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में आने के बाद आपको यहाँ से ऐड करना एक हार्ट है, ठीक है, 3 हार्ट्स PNG है तो आपको उस हार्ट PNG को ऐड करना। ओके, एंड यहाँ पे ऐड और इसे जो आप सभी को आपका जिधर में फ्रंट फोटो लगा उधर साइड में आपको यहाँ पर सेट कर देना इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर हमने परफेक्टली सेट कर लिया, ये देखो आप इस तरीके से आपको हार्ट को सेट कर लेना एंड उसके बाद आप यहाँ पे फिर डन कर देना। ओके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पिक्सआर्ट के अंदर, तो अपने इस फोटो को सिंपल जो आप पिक्सआर्ट से सेव कर लेना, ठीक है। एंड अपने फोटो को जैसे ही सेव कर लोगे पिक्सआर्ट से तो ओपन कर लेना आप सब लाइटरूम के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने लाइटरूम के अंदर अपने फोटो को ओपन कर लिया तो आप चले आना, सॉरी ये कहाँ चले आए, आपको चले आना होगा लाइट वाली ऑप्शन में, ठीक है।
लाइट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का अमाउंट को इंक्रीज करना है, ठीक है, कुछ 36, 37, एंड उसके बाद शेडोज़ को माइनस की तरफ करना है, -25, 19 ऐसा रखना, ओके। एंड उसके बाद कलर वाली ऑप्शन में आना, मिक्स में आपको चले आना है, एंड यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर पे आना, सेकंड कलर पे, एंड इसका सैचुरेशन को करना माइनस की तरफ, एंड लुमिनस को इंक्रीज करना, ओके। सैचुरेशन हल्का सा हम लोग और माइनस मतलब इंक्रीज जो है माइनस से ख़त्म करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग मिक्स टूल से जो है वो डन कर देंगे। इसके बाद हम सब चले आएंगे सिलेक्टिव वाली ऑप्शन में, यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड हम सब यहाँ पे एक सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, ओके। एंड हम क्या करेंगे, नीचे की साइड जो हमारा जो फ्रंट वाले फ़ोटो है वहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे, देख लो आप सब जैसे मैं बना रहा हूँ सेम आप इस तरीके से बना लेना। एंड उसके बाद आप चले आना लाइट वाली ऑप्शन में, एक्सपोजर को कर देना माइनस की तरफ, एंड साथ में आप सब करना है यहाँ पे शेडोज़ को भी माइनस की तरफ एंड ब्लैक्स को भी माइनस की तरफ, ओके। एंड उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्टिव से निकल जाना डन करते हुए। इसके बाद आप सब अपनी इस फोटो को लेकर चले आना फिर से जो है लाइट वाली ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आप चले आना कर्व में। कर्व में आने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू कलर का जो है हाईलाइट्स एंड शेडो दोनों को आपको अप करना, ताकि हाईलाइट्स एंड शेडो में जो है वो ब्लू टोन आए, तो आप ये कर लेना। एंड उसके बाद सिंपल कर्व टूल से निकल जाना, ओके। इसके बाद आप सभी को अब लाइट रूम के अंदर भी कुछ नहीं करना, आपकी फोटो की रिटचिंग यहाँ पे हो चुकी है, आप सब देख लो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो बिफोर एंड आफ्टर, सो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हमारे यहाँ पे हो चुकी है, आप सब इजीली कर सकते हो। तो आप अपने दो फोटो लो एंड इंस्टा पे एडिट करना, एंड मुझे इंस्टा पे जरूर से टैग करना। मिलते हैं फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।